चेक करो, कनेक्टिंग आ रहा है जरा। नहीं नहीं आएगा ऐसे। अच्छा दोबारा, ठीक है अब देखो, अब आ गया वो पुलकित करके, आपकी आईडी है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। मैं अब शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर है हमारा, कॉस्ट कैलकुलेटर के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। अलग है क्या ये? ये बिजी के साथ अटैच्ड है, मैं कर अच्छा देता हूँ ऐड ऑन इसको जो बता इंस्टॉल। रहे थे, हाँ जी, ऐड ऑन। ये बिजी के साथ इंस्टॉल्ड हो जाता है, मैं दिखा देता हूँ। ये बिजी सॉफ्टवेयर में हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। ये हमारा कस्टमाइज प्रोडक्ट है, ये हमने खुद बनाया है इसको, तो ये बिजी से इंटीग्रेटेड है। और जो भी प्रोसेस बिजी के अंदर होता है कंप्लीट, वो सारा का सारा प्रोसेस बिजी में जो भी वर्क आप करते हैं इससे अटैच्ड होता है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ये सॉफ्टवेयर एक और होता है बिजी के साथ जो इसको जोड़ने का काम करता है, BFE के नाम से एक इंजन होता है जो एडोन और बिजी सॉफ्टवेयर को जोड़ देता है। ये भी बिजी कंपनी ने दिया हुआ हमें, हम एक्चुअल में सॉल्यूशन पार्टनर हैं बिजी के, तो हमारे पास राइट्स है इसको कस्टमाइज़ करने का। अब मैं आपको एक अच्छा कंपनी बना के दिखाता हूँ जिसके अंदर क्या होगा कि जो भी आप लॉट नंबर का जो पूरा साइकिल चलाते हैं वो कंप्लीट साइकिल किस तरीके से रन करती है उसका पूरा प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट करूँगा जींस पैंट MFG के नाम से, मैं एक कंपनी बना लेता हूँ, ठीक है ना? ये कंपनी यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। इसका पासवर्ड मैं दे देता हूँ, जे यूज़र जे पासवर्ड है, सिंपल वे में इसको करते हैं। शुरुआत होती है, मैं पहले प्रोसेस पे जाता हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम आपको एक प्रोसेस दिखाया था ना, जो PPT के माध्यम से मैंने प्रोसेस आपको दिखाया था, उस प्रोसेस को मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वो प्रोसेस है, ठीक है ना? हम सबसे पहले जाते हैं परचेज़। परचेज की जो साइकिल है ये मैंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, बड़ी बड़ी MNC इसको फॉलो करती हैं। वैसे शायद ये छोटा दिख रहा होगा आपको, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। यहाँ से ये स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपका गुड नेम, मैं भूल गया आपका नाम, पुलकित। पुलकित जी, सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं, सबसे पहले आप सैंपल मास्टर से सैंपल रेडी कराते हैं। सैंपल रेडी जब हो जाता है, सैंपल आपका फाइनल हो गया, आप प्लानिंग कर लेते हैं कि मार्केट में ये माल अगर बन के आएगा तो काफ़ी बिकेगा, ये प्लान बन जाता है। उसके बाद देन आप उस सैंपल को अपने कटिंग मास्टर को देते हैं, कटिंग मास्टर उसका पहले पूरा पैटर्न तैयार करता है, फिर वो पैटर्न करने के बाद जो कटिंग मास्टर के पास जो कटिंग करने वाले पर्सन होते हैं उनको पूरी ड्राइंग के लिए वो दे देता है, टेबल पे ड्राइंग करने के लिए, ड्राइंग करके फिर वो पेस्टिंग करके उसका खर्चा जो भी निकालना होता है वो कटिंग कर देते हैं कपड़े को, ठीक है ना? बिल्कुल। तो उससे पहले क्या होता है, अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आपको कपड़ा परचेज करना होता है। तो मैं पहली एंट्री डालता हूँ कपड़ा परचेजिंग की। मैं सिंपल वे में एक आइटम बनाऊंगा, और सपोज ये 5% में मैंने कपड़ा ले लिया, कपड़े में मैं नाम डाल देता हूँ, एक सेकेंड, ये नाम जानते हैं आप? मारवाड़ी डिक्शन नहीं, ये गांधीनगर में कपड़ा वो करते हैं, सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं अरविंद के और उन काफ़ी और कंपनी है, अच्छा इनसे नहीं फैब्रिक होता अपना नाम, देते गांधीनगर हैं। तो YTC से होता है। अच्छा YTC है ना, कोई नहीं, मैंने मारवाड़ी बना दिया जिससे आपको क्लियरिटी रही। शायद मैंने उसमें देखो ये पहले ही बिजी रिमाइंडर कर देता है कि आप गलत टैक्स कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं,
और इसमें भी मैंने अनरजिस्टर्ड डाला है, तो इसलिए उसको भी रिमाइंडर कर रहा है। मैंने यहाँ पे क्लॉथ की एक आइटम बनाई, क्लॉथ बन, उसका ग्रुप भी मैंने क्लॉथ डाल दिया, जिससे कि मेरा एक क्लॉथ ग्रुप जो है ना उस एडोन से अटैच्ड है। इसको मीटर या यार्ड दोनों में आप ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है, मीटर और यार्ड दोनों में ले सकते हैं। मैंने कपड़ा ले लिया आपका, 15,000 मीटर में कपड़ा लेता हूँ, 120 रुपये के रेट से ले लेता हूँ। ये शो क्यों नहीं कर रहा है स्क्रीन पर? स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा है? नहीं, आइटम मास्टर पे है अभी स्क्रीन। हाँ, आइटम मास्टर भी है। अच्छा, ठीक है। अभी मैंने वाउचर के अंदर 15,000 मीटर कपड़ा डाला, 120 रुपये के हिसाब से, वो नहीं दिखा आपको? नहीं, ये नहीं दिखा। मैं 500 कर देता हूँ। आपकी स्क्रीन शायद, नेट आपका स्लो चल रहा है। मैंने अभी आ गया, क्वांटिटी मैंने क्वांटिटी चेंज कर दी। मैंने 15,000 मीटर ने डाल के 500 मीटर कपड़ा लिया है, और 120 रुपये के हिसाब से लिया। फ्रेट चार्जेस 1,500 रुपये लगे हैं, और उसमें टैक्स लगाया मैंने 5%। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ से सेल कर दिया, परचेज कर लिया, कपड़ा मेरा आ गया। चाहे तो आप यहाँ पे और भी मटेरियल ले सकते हैं। 2 तारीख को मैंने दूसरा मटेरियल लिया किसी से, सपोज़ करो ABC ट्रेडिंग कंपनी कोई है, जिससे हम मटेरियल भी लेते हैं। मैं एक यहाँ पे अस्तर की आइटम बना देता हूँ, सपोज मैंने अस्तर भी इसी से ले लिया। ठीक है, 5%। मैंने अस्तर उससे ले लिया जी, 100 मीटर, उसका रेट है जी 45 रुपये। ठीक है, उसको लाने में 100 रुपये का खर्चा लगा, रिक्शा वाले ने पैसे लिए। ये मैंने परचेज का वाउचर भी सेव कर दिया। आप इसी तरीके से और भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं, जैसे जीप हुई, बटन हुए, पैच पेच हुए, उस तरीके के आइटम भी आप ले सकते हैं। तो पहला ऑप्शन मेरा आता है, प्रोडक्शन करने के 2 तरीके होते हैं। अगर आपके सारे खर्चे फिक्स हैं तो आप प्रोडक्शन वाउचर का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक लॉट नंबर बनाया, लॉट नंबर 101 बनाया, और इसके अंदर भी मैंने डिज़ाइन नंबर 101 दे दिया। चाहे उसे लॉट का नाम दे सकते हो या डिज़ाइन का नाम दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है, डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है ना। इसमें मैंने 5% डाला। इस कैटेगरी में जब ये प्रोडक्ट बन के आएगा, वैसे तो इसको चेंज करोगे आप बाद में, वो कर लेना जब आपका वो रहेगा इसका। ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। एक पीस को कटिंग करने में क्या खर्चा वो आता है, अगर उसके अंदर कोई फिक्स चार्ज लगते हैं। कुछ लोगों की प्रोडक्शन ऐसी होती हैं, इस्टीमेटेड होती हैं, कि उसका एक पीस बनेगा तो उसका जॉब वर्क वगैरह सारा खर्चा मिला के उसमें जो कॉस्ट आएगी 250 रुपये मान लेते हैं हम। मैं 2 तरीके से प्रोडक्शन करना बताऊंगा आपको, और उसके मास्टर का नाम यहाँ पे डालेंगे हम, मास्टर, मास्टर शकील। ये प्रोडक्शन फ्लोर हो गया, और कपड़ा हमारा मेन गोडाउन में पड़ा था, इसलिए कपड़ा वहाँ से कंज्यूम होगा। अब मैं दे रहा हूँ जी अस्तर की जो मेरी एवरेज है, एक पैंट में मेरा अस्तर जो लगेगा वो सपोज इतना लगेगा, 20 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 50 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और जो मेरा कपड़ा लगेगा उसमें मेरे कपड़े की एवरेज आएगी जी 1:10 की आती है ना। ठीक है, 1:10 में जो कपड़ा आपने लगाया, आपका आगे स्क्रैप भी होता है कपड़ा, ठीक है, स्क्रैप वन के नाम से जो भी आप आइटम बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। यहाँ पर टुकड़ा कोई बचेगा उसका, तो टुकड़े के आइटम भी जनरेट कर सकते हो, जिससे कि 1 साल का जो इकट्ठा स्क्रैप होता है आपको पता चल जाए उसमें 10 सेंटीमीटर कपड़ा ख़राब जा रहा है। ठीक है, सेव किया मैंने। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला जो फिक्स होता है, किसी किसी फैक्ट्री में फॉर्मूले फिक्स होते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता है उनका माल, मतलब जब रिपीट करता है तो वो सेम फॉर्मूला यूज़ होता है। 19-20 की एवरेज का डिफरेंस आता है तो वो एवरेज को चेंज कर देते हैं मैनुअली। तो 500 पीस का मैं एक लॉट कटिंग करा रहा हूँ आपका,
500 पीस के लॉट में देखो आपका जो कॉस्टिंग थी, अस्तर आपका 250 मीटर लगा, 550 मीटर आपका कपड़ा लगा, कपड़ा आपका माइनस जाएगा क्योंकि परचेज कम की है, तो ये हमने यहाँ से सेव कर दिया। ठीक है जी, देखो उसने माइनस का भी ऑप्शन दिया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कपड़े का जो स्टेटस है पूरा कंप्लीट। यहाँ जाएंगे बैलेंस 1 MC कपड़ा, कपड़े की आइटम देख सकते हो आप स्टॉक में, ये देखो। मैं कपड़े की परचेज बढ़ा देता हूँ जिससे दिक्कत ना हो, मतलब आपके जो क्या बोलते हैं रिकॉर्ड आने चाहिए प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो जाए, जैसे बैलेंस वगैरह भी आ जाए। शायद मैंने अस्तर भी कम लिया था, अस्तर भी बढ़ा देता हूँ। अस्तर मैंने लिया था 500 कर देता हूँ। अब कहानी आती है कि जी जो कटिंग मास्टर ने कटिंग की थी उस आइटम का स्टेटस क्या है। लॉट नंबर मैंने देखा, एंटर किया, इसने बताया कि डिज़ाइन नंबर 101 जो लॉट नंबर आपका है, 101 लॉट नंबर, 500 पीस मास्टर शकील ने काटे हुए, मास्टर शकील के पास कटिंग का खर्चा पड़ा हुआ है और ये खर्चा आप जाता है एम्ब्रॉयडरी के लिए। एम्ब्रॉयडरी के लिए खर्चा इशू हो जाएगा, मास्टर शकील इसे एम्ब्रॉयडरी वाले पे भेजेगा। सपोज मनोज एम्ब्रॉयडरी एक बंदा है जिसको हमने ये दे दिया कि भाई तू इसकी एम्ब्रॉयडरी करके दे दे। देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ना, ये 500 पीस आ रहे हैं शकील के पास, जैसे ही हम 500 पीस यहाँ, पूरा पूरा प्रोसेस हम कर ही रहे हैं अभी फिलहाल, करते हाँ हैं ये तो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने मास्टर का रेट डाल दिया, कटिंग प्राइस डाल दिया, कटिंग रेट हो गया ये मास्टर का जो भी आप देते हैं। यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर, एक सेकेंड, हमने एक सेटिंग और करनी है अभी इसके अंदर, हमने कॉन्फ़िगरेशन और करनी है जिससे मास्टर के वो खाते वगैरह मेंटेन हो जाए। हाँ ये तो आपने करवाया हुआ है मुझे जब आपसे हाँ पीछे ये सारा हो KFC रखा का। ना, अभी मैं ये करके जो दिखाऊंगा उसके बाद जो मैं आपके लिए करने वाला हूँ ना, वो मैं ऑप्शन बताने वाला हूँ आपको कि मैं क्या करूँगा। हम एक्चुअल में KFC क्या, को जो ये तो चीज़ आप बड़ी। कर रहे हो वो तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ आपको, जो चीज़ आप नहीं कर रहे हो मुझे वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, तो वहाँ तक हम पहुँचे कैसे, किस तरीके से जाना चाहिए हमें, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा मैं आपसे। मैं इसको एक दो प्रोसेस में एंड कर दूँगा जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाए। मनोज को मैं दे देता हूँ, मनोज को देने के बाद मैंने 500 पीस मनोज को दे दिए, शायद मैंने पहले एंट्री डाल दी है इसकी इसलिए वो ले नहीं रहा है। ठीक है ना, ये मनोज को मैंने दे दिए। कटिंग मास्टर का जो रेट है, अब मैं यहाँ पे कटिंग मास्टर का रेट बना देता हूँ, कटिंग कटिंग प्राइस, कटिंग रेट ही कर देते हैं। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन होता है इफेक्ट ऑफ गुड्स इन स्टॉक ट्रांसफर, ये यस करना होता है, और यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर को यस करना होता है, यहाँ पे यस कर देंगे। करने के बाद इस खर्चे को कटिंग खर्चे में पोस्ट किया जाएगा, कटिंग एक्सपेंस ये डालेंगे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के अंदर। ठीक है ना, यहाँ पे यस करेंगे और इसको पर क्वांटिटी के हिसाब से मैनेज करेंगे। मुझे लग रहा है इसके अंदर कुछ ऑप्शन यस होना है। यहाँ पे हमने उसका 4 रुपये रेट से कटिंग का रेट दे दिया। ठीक है जी, कटिंग रेट बिल से एंट्री, इसमें क्या कमी हो रहा है। कटिंग इनवैलिड अकाउंट इन, अच्छा एक सेकेंड, हमने गलती करी है यहाँ पे, मास्टर शकील में भी कुछ ऑप्शन यस करना होता है। हाँ यहाँ पे मास्टर के लेज़र को, मास्टर शकील को एक बार इसके साथ पोस्ट कराना पड़ेगा सैंडरी क्रिएटर में, हम जॉब वर्कर के लेज़र बना सकते हैं।
जॉब वर्कर, ठीक है ना। इनका जीएसटी नंबर वगैरह भी हो सकता नहीं हो सकता, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ से जाते हैं, इसको सेव करते हैं। ये देखो इसने सेव ले लिया। मैं पहले में दिखाता हूँ, मास्टर शकील आपका खाता बन गया। इसमें पूरी रिपोर्ट आ जाती है वैसे लॉट नंबर वाइज, वो कॉन्फ़िगर कर देते हैं हम लोग। अब 6 तारीख या 7 तारीख को ये मास्टर का अड्डा आगे जाता है, मनोज से आगे जाता है। मैं आता हूँ अपनी पीपीटी के ऊपर। ये अड्डा आता है जी आगे। सबसे पहले हमने क्या किया, मटेरियल वगैरह ले लिया, ठीक है, कटिंग प्रोसेस कर दिया, एम्ब्रॉयडरी पे भेज दिया। एम्ब्रॉयडरी के बाद स्टिचिंग पे जाएगा, ये स्टिचिंग पे जाएगा ना। तो वो पल्ले एम्ब्रॉयडरी वाले, एक्चुअल में क्या, कटिंग मास्टर से पहले तो अड्डा स्टिचिंग पे चला जाता, मगर उसमें से कुछ पल्ले आपके एम्ब्रॉयडरी वाले को जाते हैं, बाकी के पल्ले वो स्टिचर को चले जाते हैं। इतने वो स्टीचर अपनी सिलाई वगैरह कर लेता है, जिससे वो उतने टाइम तक उसका एम्ब्रॉयडरी होके भी आ जाता है मटेरियल, ठीक है। संजय स्टीचर स्टिचिंग, कोई दिक्कत नहीं है, फैब्रिकेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ फैब्रिकेटर यूज कर लो। ये आपका फैब्रिकेटर मॉड्यूल भी चल सकता है इसके अंदर, कोई इशू नहीं है। संजय, संजय फैब जॉब वर्कर, आपकी उधर बैलेंस शीट की बैलेंस शीट प्रॉपर बनती रहेगी और आपका उधर काम होता रहेगा प्रॉपर। अब आपने यही डिज़ाइन नंबर 500 पीस का था यहाँ पर दे दिया, और यहाँ पे अपना हमने एम्ब्रॉयडरी रेट, हाँ एम्ब्रॉयडरी आएगा, एम्ब्रॉयडरी वाले को यहाँ टैग करना है, यस करना है। यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी एक्सपेंस बना देंगे, एक्सपेंस अकाउंट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मैं हर बार ये काफ़ी दिन में कर रहा हूँ ना, पर क्वीन क्वांटिटी, यस। एम्ब्रॉयडरी का 15 रुपये पर एम्ब्रॉयडरी का खर्चा है। मनोज जी के शायद नाम में भी हमने नहीं डाला था, मनोज एम्ब्रॉयडरी जॉब वर्कर। सीरियली हम लोग वर्क कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे इसमें। 15+ ये आ गया जी आपका। रेफरल नंबर देना चाहते हो दे सकते हो। अभी हमारा प्रोसेस नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, एम्ब्रॉयडरी वाले से स्टीचर के या फैब्रिकेटर के पास चला गया है, ठीक है जी। ठीक है। अब हम 2 प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। अब संजय से जाएगा, 10 तारीख को संजय ने दिया, 10/4 को संजय ने दे दिया। कौन सा प्रोसेस हमारा, प्रोसेस वाशिंग, वाशर को दे दिया, ठीक है। आजय वाशिंग, जय वासिंग पे चला गया, जय वासिंग का खाता बनाया हमने, जय जॉब वर्कर। क्लिक 500 पीस, 500 पीस के बाद हमने फैब्रिकेटर का खाता नहीं, अभी फैब्रिकेटर रेट नहीं बनाया हमने, फैब्रिकेशन रेट, फैब्रिकेटर का यहाँ पे क्लिक किया, ओके, फैब्रिकेशन एक्सपेंस, यहाँ पे यस करते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी पर मीन क्वांटिटी, ओके, इसको दे दिया हमने। कितना देते होंगे फैब्रिकेशन, 150 रुपये, हाँ 100 से 150, ठीक है 100 रुपये। ये रेफरेंस नंबर हमने चलाया नहीं, 2 डाल देते हैं अभी, इसको बंद कर देंगे। मुझे शायद 1-2 प्रोसेस में कहीं दिक्कत ना हो, चेक कर लेता हूँ मैं एक एक करके। ओके कर दिया, इसमें मैंने यस किया है जी, ओके, इसके अंदर भी ओके हुआ है, ठीक है जी।
इसके अंदर भी ओके हुआ है, कंप्लीट है जी। प्रोसेस हमारे तीन हो गए, चौथे प्रोसेस पे हम जाते हैं जी। चौथा प्रोसेस हमारा जो आता है वो थ्रेड एंड प्रेसिंग का आता है। हो सकता है ये पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा हो आपके फैक्ट्री के अंदर, हो सकता है सैलरी बेस पे कर रहा हो, तो कंडीशन होती है। मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस का सिस्टम बनाया था, उसका थ्रेड कटिंग और प्रेसिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, वो 2.5 रुपये पर पीस लेता है, उसमें धागा भी काटता है प्रेस भी करता है, उसने अपनी लेबर बिठाई हुई है। 15 तारीख को ये अड्डा जो है आपका चला जाता है जी फैब्रिकेटर से, सॉरी बासर से, बासिंग वाले से जाता है अमन प्रेसिंग, अमन प्रेसिंग, यस किया मैंने, यहाँ अमन का नाम बनाया, प्रेसिंग जॉब वर्कर में डाला, ओके किया, सेव कर दिया। ये 500 पीस लिए, ओके किया, यहाँ पे मैंने उसका वाशिंग का एक्सपेंस बनाया, वाशिंग एक्सपेंस क्लिक किया, खर्चे को रिफ्लेक्ट किया, वाशिंग एक्सपेंस, वर्कर, इस पे मैंने अनरजिस्टर्ड क्लिक कर दिया। यहाँ से उसको यस नो कर दे करेंगे, जो विंडो खुलती है वो नहीं खुलेगी। यस क्वांटिटी ओके, इफेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये मैंने वाशिंग का जो है 25 रुपये पर वाशिंग के हिसाब से इसको पैसे दे दिए। शायद ये पिछले वाले पे नहीं हुआ था इसलिए नहीं ले रहा, सेव कर दिया। प्रोसेस हमारे हो गए जी, हमारे प्रोसेस हो गए जैब अमन। अब अमन से जाएगा छठे नंबर के प्रोसेस पे, अमन से जाएगा पैकिंग, सीधे आपकी फैक्ट्री में आ जाएगा, ठीक है ना, अमन से सीधा फैक्ट्री में आ जाएगा, मेन स्टोर में आ जाता है अपना, मेन स्टोर में आ जाएगा, ठीक है। अब हम अमन से सीधा मेन स्टोर ले लेंगे, प्रेस होने के बाद 500 पीस, और ये हमारा जो आएगा यहाँ पे आएगा प्रेस का प्रेसिंग रेट, यस किया, यहाँ पे क्लिक किया, ओके प्रेसिंग, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, यस। हमें पोस्ट करना था यार, क्योंकि अगले खर्चे में जोड़ना था, ये करा नहीं हमने किसी में। प्रेस का हमने 2.5 रुपये दे दिया, वो धागा कटिंग और प्रेसिंग दोनों चीज़ें उसको उसके अंदर दे दी, तो ये वहाँ से हो जाएगा। इसको हम नो कर देते हैं, सेव बटन, ठीक है। पांचवा प्रोसेस कंप्लीट। मैं लॉट नंबर का पूरा स्टेटस देखता हूँ कि मेरा लॉट नंबर कहाँ पे गया। मेन स्टोर पे आया, तो मैं प्रोसेस वाइज इसका पहले सिस्टम बना लेता हूँ। यहाँ पे प्रोसेस वाइज सिस्टम होता ना, ये रहा पहला प्रोसेस किसका था, कटिंग का, सॉरी मास्टर का था, मास्टर। दूसरा प्रोसेस था एम्ब्रॉयडरी, तीसरा था फैब्रिकेटर, चौथा वाशिंग, पांचवा प्रेसिंग, और तो नहीं है ना कोई, मेन स्टोर लास्ट है, मेन स्टोर। अब जो आप यहाँ से स्टॉक निकालते हो तो ये आपको कॉलमनार में जाना है, अपन आइटम लेना है, चाहे तो आप उसको यस कर सकते हो। अब ये आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो गया। क्वांटिटी दिखा रहा ना, ये प्रोसेस है कि आपका मटेरियल कौन से प्रोसेस पे रुका हुआ है। अब आपका फाइनल प्रोसेस पे चला गया ना, सब जगह से निकल के
मेन स्टोर पे चला गया। पहला प्रोसेस क्या था, शकील था, शकील ने कटिंग की, एम्ब्रॉयडरी पे गया था माल, कोई माल नहीं पड़ा। संजय फैब्रिकेटर पे माल गया, नहीं पड़ा। जय वासिंग पे था, नहीं है। अमन प्रेसिंग, नहीं है। 500 के 500 पीस। मैं एंटर करूँगा यहाँ पे, मैं मास्टर शकील का देखना चाहूँगा, पूरा रिकॉर्ड दिखा देगा यहीं पर। ये कह रहा है लॉट नंबर 101 कटिंग हुआ था, 3-4 में, 5-4 में मनोज एम्ब्रॉयडरी पे चला गया। मनोज एम्ब्रॉयडरी से संजय को साथ में गया, संजय से 10 तारीख को जय पे चला गया, जय से अमन प्रेसिंग को 15 को गया, 15 से 15 में फिर प्रेसिंग वाले ने मेन स्टोर को आपकी फैक्ट्री में दे दिया ट्रांसफ़र। ठीक है जी, अब मैं आता हूँ कॉस्ट कैलकुलेटर के अंदर। ठीक है, कॉस्ट कैलकुलेटर में मैं अपना लॉट नंबर डालता हूँ। एक सेकेंड, मैंने एक कमी कर दी उसमें, लॉट नंबर का भी एक ऑप्शन मॉडिफाई करना था। F6 स्टॉक जनरल में ट्रांसफर कर दिया मैंने 101। अब ये देखो, ये हमारा कॉस्टिंग कैलकुलेटर है। जो जो कॉस्टिंग आपने जहां जहां पे दी, उस पीस की जो पूरी प्रोसेस क्रिया है, जो टोटल प्रोसेस आपने किए, सबसे पहले आपका लोड नंबर, ये कटिंग हुआ जिसको आपने डिज़ाइन नंबर 101 में कन्वर्ट कर दिया। लोड नंबर 101 है, डेट ये थी जिसमें आपका मास्टर शकील ने कटिंग की 500 पीस की। फैब्रिकेटर का नाम का ऑप्शन भी उसमें हो जाता है डालना, मैंने डाला नहीं इसलिए छूट गया वो। ये अस्तर आपका जो एवरेज से लगा 45 रुपये के हिसाब से अस्तर आया था, 500 ग्राम मतलब आधे मीटर की एवरेज लगी है अस्तर की, तो 22 रुपये 50 पैसे का अस्तर लगा उसके अंदर। 120 रुपये के हिसाब से आपका कपड़ा आया था, 1:10 की एवरेज थी, 132 रुपया कपड़ा लगा, 154 रुपये का तो कपड़ा लग गया आपके उसमें। कितना? 132 रुपये का कपड़ा लगा। ठीक हाँ, है, 154 का कपड़ा लग गया। उसके बाद कटिंग वाले ने पैसे लिए 4 रुपये, एम्ब्रॉयडरी वाले ने 15 रुपये, फैब्रिकेटर वाले ने 150 रुपये, वाशिंग वाले ने 25 रुपये, प्रेस वाले ने ये। फिर भी कोई अदर मटेरियल आपका आता है तो यहाँ पे अगर कोई सपोज करो जिप जिप की आइटम है, चैन है, पर पीस के हिसाब से लगेगी। मैं इसको रॉ मटेरियल कर देता हूँ ना, कुछ भी हो सकता है रॉ मटेरियल। हमने यहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या क्या किस तरीके से डालना है। जैसे एक एक उसमें चैन एक ही लगेगी, रेट उसका क्या है 10 रुपये है, तो ये वहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसका, ये देखो पूरा प्रोसेस दिखा देता। 361 रुपये का कंप्लीट मटेरियल जो है अभी तक, कपड़े सहित खर्चे सहित लगा पर पीस। अब जैसे सेव करेंगे यहाँ से एक प्रिंट आउट निकल जाता है ये, ठीक है ना, यहाँ पे प्रिंट आउट निकल जाता है। मैं दिखा देता हूँ कैसा है प्रिंट आउट है। अच्छा ये है ना, यहाँ ये लोकल पीपीटी में गया, एक सेकंड, लोकल पीपीटी में प्रिंट आउट गया है, वो मैं दिखा देता हूँ। ये है ENB के नाम से, ये ENB के नाम से देखो, ये आपका कोस्टिंग का हमने प्रिंट आउट डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा जी, अब इस, ये लॉट नंबर है। हाँ, ये लॉट नंबर का पूरा प्रोसेस है। इसके अंदर पिक भी आ जाती है, अगर आप कोई फोटो वगैरह डालते बिजी में, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन होती है जो आप लोग मैनुअल या किसी चीज़ के थ्रू बनाते होंगे शायद अपनी कम फैक्ट्री के अंदर, तो ये सॉफ्टवेयर खुद बना देता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इमेज कैसे बनाएगा? इमेज भी इमेज डल डाल जाती देगा, है इमेज। इमेज डाल देगा। हाँ, इमेज डाल देता है, मैं दिखा देता हूँ इमेज का ऑप्शन भी कैसा आता है। ठीक है, मैं इमेज दिखा रहा हूँ अभी आपको।
इमेज इस तरीके से डाली जाती है, मैं दिखा देता हूँ। वो इमेज डाल देगा ना भाई उसमें, ये कह रहे हो आप ना? हाँ इमेज भी आ जाएगी, मैं जींस की पैंट की एक इमेज उठा लेता हूँ गूगल से, जींस पैंट। ठीक है वो तो समझ गया, मतलब इमेज भी डाल देगा उसमें ना। हाँ जी हाँ जी, कोई बात, ठीक है ये मैंने सेव किया, इसका लॉट नंबर 101 बना दिया और ये सी ड्राइव में डायरेक्ट सेव कर दिया। ठीक है जी, ये सेव हो गई। दूसरी चीज़, बिजी के अंदर मैं जाऊंगा यहाँ पर फीचर एंड ऑप्शन में, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेंटेन इमेज आइटम मास्टर इमेज, सॉरी नोट्स है, यहाँ पे फोल्डर का नाम दे दूंगा, सी ड्राइव दे दूंगा, सेव बटन ओके। जो अभी मैंने इमेज डाउनलोड करी थी उसको मैं देखूंगा कहाँ पे पड़ी हुई है, उसी में इसको उठाऊंगा, कट करूंगा, सी ड्राइव में पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट हो गई। अब एक्चुअल में आपकी जो आइटम है, आपकी जो आइटम नेम है, वो आइटम नेम से इमेज का नाम उठाता है। अच्छा, आइटम नेम आपकी जो बनी हुई है वो डिज़ाइन नंबर माइनस कुछ करके बनी हुई है। तो अब बिजी के अंदर हमने जो इमेज टैगिंग का ऑप्शन दिया वो इस तरीके से दिया हुआ है, अगर आपके आइटम के अंदर एलियास में उसका इमेज का कोड डला हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इमेज उठा लेता है। अच्छा, ठीक है ना, आपको एक एक फ़ोटो लगाने की ज़रूरत है तो लगा सकते हैं, और आप उसको वहाँ पे दिख जाएगा कोस्टिंग के अंदर, ऑटोमेटिकली वो प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, 101 लॉट नंबर डालेंगे, मैं देखता हूँ नीचे आया क्या। ये देखो यहाँ पे इमेज आ गई, प्रिंटिंग में भी है नहीं है ये, मैं कह नहीं सकता हूँ, बाकी प्रिंटिंग में भी इसका ऑप्शन होना चाहिए, दे देंगे प्रिंटिंग में भी ऑप्शन। ठीक है, ये यहाँ से इतना काम हो गया कंप्लीट। ये एक सेकंड, पीपीटी अभी इसमें दिया नहीं है, इमेज आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा कोस्टिंग कैलकुलेटर है विद जॉब वर्क, या आउट आउट जॉब वर्क करा लो या इन हाउस करा लो, दोनों तरीके से मैनेज हो जाएगा। और इसके अंदर हम कपड़े के बिल नंबर वाइज भी कपड़ा ले लेते हैं, कभी कभी लोग कस्टमर क्या कहते हैं कि जी मेरा जो कपड़ा आता है ना फीफो बेसिस पे मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में कपड़े के बिल नंबर, ये देखो पार्टी का डेट है, पार्टी का डेट कब आया कपड़ा, उसका बिल नंबर क्या था, पार्टी का नाम क्या था, क्योंकि एक कपड़ा मल्टीपल कस्टमर से आ सकता है, उस लॉट नंबर में आपने किस फैब्रिक वेंडर का कपड़ा लगाया उसका ऑप्शन भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, उसका अमाउंट क्या था वेंडर का, उसको पैसा तब जाएगा जब उसकी कटिंग हो जाएगी, मटेरियल कटिंग होने के बाद बिग चैन में चला जाएगा माल, अगर कपड़ा आया हुआ पड़ा है तो हम उसकी वेंडर की पेमेंट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ सिस्टम होता शायद आप लोगों के यहाँ पे, कुछ लोग करते हैं। एक मिनट, बस एक मिनट, हेलो सर, मैं एक कॉल पे हूँ, अभी कॉल बैक कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कर रहा हूँ, अर्जेंट है क्या? बरसा को कर लो कॉल, बरसा को कर लो, 9368 9368 299 127 पे कॉल करो बरसा को, अभी मैं कॉल पे हूँ। हाँ हाँ वो कर देगी, अभी मैं ज़रा लाइन पे आ तो मुझे टाइम देना पड़ेगा आपको, अमन को नहीं वर्षा को करो आप, वर्षा लाइन पे अभी ऑनलाइन, 9368 299 127 127 127। ठीक है ओके। हाँ पुलकित जी, डैशबोर्ड का जो ऑप्शन मैं बता रहा था आपको, मैं दिखा देता हूँ क्या है डैशबोर्ड का सिस्टम। डैशबोर्ड कॉन्फ़िगर करेंगे हम पार्टी वाइज, यहाँ पे ऐड करेंगे, वो आपने वो वाला तो दिखाया नहीं मुझे, जो परचेज में आप कोटेशन कंपेयर कर रहे थे, कोटेशन कंपेयर का परचेज का भी दिखा देता हूँ, वो अभी मैंने बनाया नहीं ऑप्शन, मैं बना लूँगा उसको भी, एक सेकेंड रुक जाओ, वो सब हो जाएगा। और
ये आपका डैशबोर्ड है, फुल डैशबोर्ड जो होता है ये बिजी का डैशबोर्ड है। एक डैशबोर्ड हम लोग कस्टमाइज करके देते हैं, इसी के तरीके से होता है वो डैशबोर्ड। उस डैशबोर्ड के अंदर क्या होता है, जो आपकी जो जॉब वर्क वाली जो रूपरेखा बनी हुई होती है कंप्लीट, उसके ऊपर हम सारा डेवलप करके देते हैं। हमारा डैशबोर्ड भी इसी तरीके से आता है। देखो जो डैशबोर्ड में इसमें रिपोर्ट मिल जाती है आपको, वो रिपोर्ट हम उसमें नहीं दिखाते। उसके अंदर सिर्फ फैब्रिकेशन से रिलेटेड और आपकी जो एनालिसिस रिपोर्ट होती है, MIS रिपोर्ट, उसको बना के देते हैं। मगर मैं दिखाना चाहूँगा कि इस रिपोर्ट के अंदर इसमें हमने क्या दिखाया वो देख लो। जैसे इसमें कैश फ्लो आ रहा है पूरा, हाँ कैश ये वाला तो मैंने भी इनेबल किया हुआ है, ये तो मैं देख लेता हूँ। ये देख लेते हो ना, हाँ तो जी हाँ मैं जी जो आपको बताने वाला हूँ मैं वो बता रहा हूँ। हम जो आपको देंगे एजिंग के अंदर, एजिंग यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड है, वहाँ पे हम क्वांटिटी से रिलेटेड एजिंग देंगे आपको, कि आपकी कौन सी क्वांटिटी, कौन कौन से लॉट नंबर, किस किस फैब्रिकेटर पे कितने कितने दिन से पड़े हुए हैं पेंडिंग। अच्छा वो डैशबोर्ड में आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो दोनों तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, किस फैब्रिकेटर के पास कितना कपड़ा कब से पड़ा हुआ है, कितने महीनों से पड़ा हुआ है, उसका क्या अमाउंट है, वो भी एक एजिंग बना के आपको देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है भाई, बहुत ज़रूरी होता है ऑप्शन, ठीक है। सर 2 मिनट में भवानी जी कॉल कर रहा हूँ मैं, बस कॉल मेरी एंड होने वाली है। सर 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, आप वेट करो, ठीक है जी। ये हो गया ऑप्शन। और दूसरी बात ये है कि जो आपके फैब्रिकेटर होते हैं, कौन सा फैब्रिकेटर कितना ज़्यादा डेबिट डलवाता है अपने नाम में, सबसे ज़्यादा माल कौन सा फैब्रिकेटर ख़राब करता है या कौन सा वाशिंग वाला करता है, तो ये भी आपको एक रिपोर्ट हम दे देंगे। अच्छा कौन से फैब्रिकेटर को पेमेंट लेने की ज़्यादा जल्दी होती है, उसकी मूवमेंट का भी हम आपको आइडिया दे देंगे पेमेंट का। पता क्या, एक तो होता है कि आप वीकली पेमेंट करते हो तो सबको दे रहे हो अपने हिसाब से, स्टैंडर्ड जो आपका सिस्टम है। एक फैब्रिकेटर है क्या, हर वीक में आके वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगता है, तो आपका जो ERP सिस्टम है उसको रिमाइंडर दे, जब वो पैसे मांगेगा तो आपको बता देगा कि जी ये जो फैब्रिकेटर है आपको मतलब हर बार अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगता है, जब तक, क्योंकि हमारा ERP कहता है कि जी अगर मेरा पाइपलाइन में WIP में मेरा माल इसके पास 10 लाख रुपए का चल रहा है और अगले वीक में ये 2 लाख का माल जमा करा देगा, एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ, जो आप एडवांस दे के काम कराते हैं लोगों से कि जी आपका 2 अड्डों का माल, 3 अड्डों का माल मैं अगले वीक में ले आऊँगा और मुझे इतना पैसा लेबर को देना, वो पैसा दे दीजिए, आप दे भी देते हैं, तो उस कंडीशन में जो कमिटमेंट वो करता है, क्या वो 2 वीक बाद 2 अड्डों का माल लेकर आया, 2 लॉट नंबर का माल वो आपको दे के गया, पिछली 3 4 महीने 6 महीने की रिपोर्ट से बिजी अपना आप बता देगा आपको कि ये जो फैब्रिकेटर कमिटमेंट कर रहा है ये झूठी कमिटमेंट है या इसकी सही कमिटमेंट है, आप इसको पैसे दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, दोनों बातें हैं। मतलब उन दोनों की चीज़ों को ट्रैक करता है वो, कि इसको पैसा गया था इतने, इतना माल इसके अगेंस्ट इतना माल जमा किया हुआ है, जो इसने बोला था वो किया है, इसका मतलब फैब्रिकेटर जैनवन है, इसको पैसा देना चाहिए। एडवांस में आपकी सहूलियत हो जाएगी, वो रिपोर्ट भी आपको कंसिडर करके देंगे। कौन सी आइटम आपकी फास्ट मूवमेंट होती है, किसकी कौन सी कम होती है, किसकी रिपीट ज़्यादा कट रही है, किसकी कम कट रही है, उसका भी एक डैशबोर्ड दे देंगे आइटम वाइज विद क्वांटिटी। एक आइटम का नाम लिखा होगा, उसके आगे उसका मंथली सेल का क्वांटिटी लिखी होगी, अगर आप उसमें वैल्यू चाहते हैं कितने लाख का माल बिका वो भी लिखा होगा, कि अप्रैल में कितना क्वांटिटी बेची, फरवरी में कितनी बेची, फिर जैसे ही आप एंटर करोगे उन कस्टमरों का नाम आ जाएगा कि इन इन कस्टमर को इतनी इतनी क्वांटिटी बेची, आप उन कस्टमर को दोबारा रिपीट ऑर्डर मांगने के लिए कॉल कर सकते हो। ये रिपोर्ट भी हमारे अच्छा पास अवेलेबल होगी। उससे आप दे दोगे मतलब, हाँ जी हाँ ठीक जी, है। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये रिपोर्टें हमारे पास बनी हुई हैं जो हमने लोगों को बना के दी हुई है, आप भी अपने माइंड से डिस्कस, अपना जो माइंड में आपने सोचा हुआ वो निकाल करके बता सकते हो कि जी मुझे ये चीज़ों की वो रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें मेरी फुलफिल करो, ठीक ठीक है है, वो ना। तो मैं ले लूंगा। हाँ, ठीक है जैसे इसमें आइटम मैक्सिमम लेवल होता है, मिनिमम लेवल होता है, ये तो देखो बिजी का ही फीचर है, इसके अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी का जो भी है, टॉप पार्टीज ट्रांजैक्शन में टॉप पार्टी 100, मैं देखता हूँ कि 5 पार्टी से कुछ नहीं होता टॉप में, आइटम से भी कुछ नहीं होता, हम 100 पार्टी देते हैं टॉप, अच्छा क्योंकि हर कस्टमर की एक नीड है, सबसे जो चुनिंदा कस्टमर है उनकी निगाह में होनी चाहिए कि ये 100 कस्टमर 500 कस्टमर मेरे मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे माल लेने वाले हैं, तो इनको मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा,
कि इनके साथ मेरा व्यवहार कैसा रहे, पेमेंट को लेकर के और डिलीवरी को लेकर के, वो सारी चीज़ें। तो हम उस डैशबोर्ड के अंदर आपको वो मैक्सिमम कस्टमर दे सकते हैं जो आपको ज़रूरत के हैं, जिनको ज़्यादा सेल होती है हमेशा। ठीक है ना, ये भी मिल जाएगा आपको। किस कपड़े वाले का कपड़ा सही आता है, प्रोटी सही तरीके से आता है, पेमेंट कैसे लेता है, उसका स्ट्रक्चर भी हम दे देंगे आपको। अच्छा, तो ये इनका क्या होगा, इनमें से वो कस्टमाइजेशन होगी ना, इसमें कोई ऐड ऑन तो नहीं डलेगा मेरे ख्याल से? अच्छा, नहीं, एड ऑन ही डलेगा, वो एक तरीके का एड ऑन होता है। ऐड ऑन होता है क्या वो? हाँ जी, एड ऑन होता है। देखो, अच्छा अब जैसे सेल्समैन भी होते हैं आपके ऑफिस में, सेल्समैनों को इस तरीके से आप टारगेट दे सकते हो। देखो, जैसे मैंने टारगेट का भी एक सैंपल बनाया हुआ है कि दीपक सिंह का 2.5 लाख का टारगेट है, राम प्रताप का 10 लाख का टारगेट है, वर्षा का 2.5 लाख का टारगेट। तो इस तरीके से टारगेट भी कर सकते हो, और उनके इस तरीके से ग्राफ रिपोर्ट आ जाएगी कि इस बंदे ने कितनी लीड को, प्रोस्पेक्ट इंक्वायरी उसने कितनी वो करी, उसके बाद लीड को कन्वर्ट कितना किया, गद्दी के कितने कस्टमर किए, होलसेलर कितने किए, वो सब भी आ अच्छा, जाएगा उसमें। इस तरीके का पूरा सिस्टम भी मेंटेन कर सकते हो, डे अच्छा वाइज ये जो रिपोर्टिंग। सीआरएम कह रहे थे आप, है ना, हाँ, वो सीआरएम सीआरएम को की भी तरह हमने क्या करेगा? इंटीग्रेट कर दिया उसमें, सेल सीआरएम है पूरा कंप्लीट। हाँ, अच्छा, एक तो होता है कि आपका बना बनाया कस्टमर, एक होता है कि आपके सेल्समैन ने जनरेट किया है, चाहे वो आपकी दुकान पे रहते हुए किया हो। वो तो देखो, कोई नया कस्टमर आया और वो 50 हज़ार का माल ले रहा था, उसको उसने 5 लाख में कन्वर्ट किया, तो वो तो इंक्वायरी उसी की हो गई ना एक तरीके से। तो उस तरीके का सेल रिकॉर्ड भी आप यहाँ देख सकते हो, कौन सा बंदा आपका किस तरीके से काम करता है और कैसा काम करता है। हाँ जी, ठीक है ठीक ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ से आपको मिल जाएंगी। अच्छा, ये सीआरएम इंटीग्रेटेड है बीजी से, ये अच्छा उससे कनेक्टेड है। ओके ओके, बिजी सॉफ्टवेयर से अच्छा, कनेक्टेड है। तो इससे बिजी पे कोई इफेक्ट तो नहीं आता, सॉफ्टवेयर स्लो नहीं चले नहीं ऐसा बिजी कुछ पे कोई करने पे? इफेक्ट नहीं आता है, बिजी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिजी सही चलेगा। बिजी अच्छा, एसक्यूएल में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, एसक्यूएल में कितना? कन्वर्ट हो जाएगा। एसक्यूएल डेटाबेस होता है बिजी का, जो प्रोटेक्टेड डेटाबेस होता है, उस पर आप कितना ही लोड डाल दो कोई दिक्कत नहीं होती, 10 GB तक का डेटा हैंडल करने की कैपेसिटी होती है। अच्छा, हाँ और आपने उसका नहीं बताया मुझे, वो इन्वेंट्री कैसे मैनेज होगी फिर, बारकोडिंग से, जैसे अभी जो बारकोडिंग लॉट से बना दिया इन्वेंट्री का हमने? भी मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ। मैंने बारकोड का ऑप्शन एनेबल कर देता हूँ, पैरामीटर में मैं गया, मैंने तीन यहाँ पे आपके, आप कलर साइज वगैरह सब मेंटेन करोगे। कलर कर लेंगे बस, और तो नहीं, कुछ लॉट नंबर आएगा उस पे कलर होगा, और कितने पीस का सेट है, सेट वाइज ही कराओ, निकालोगे ना तो ये बार कोड से? अच्छा, बिल्कुल, साइज कलर डालेंगे, मैंने ही डाल दिया इसमें, बारकोड जनरेट कर दिया, ऑटोमेटिक न्यूमेरिक में आ जाएगा। ओके है, ओके है, सेव कर दिया। अभी जो हमने पीस बनाए थे, जैसे ही आप यहाँ पे पीस जनरेट करोगे, जब आपका मेन माल आएगा ना लास्ट में, प्रेसिंग से जो मेन स्टोर में हाँ जा रहा ये है। जो आएगा, तो ये माल कंज्यूम हो जाएगा, नया माल जनरेट होगा, यहाँ पे बारकोड जनरेट होंगे। मैं बता देता हूँ, 20 तारीख को मैंने माल BCN जनरेट किया, बारकोड बनाई, मेन स्टोर में माल पड़ा, मेन स्टोर में जनरेट हो रहा है। मैंने एक नई आइटम बनाई, सपोज़ मैंने 8 नंबर बना दिया आपका जो बारकोडिंग वाला है, 101। मैं अभी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपका, चाहे तो अच्छा, आप लोड नंबर को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बस क्या फिर आपको लोड नंबर को थोड़ा पीछे से ही बारकोडिंग करके चलना पड़ता है, जो कि उसमें ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे 500 पीस हम करेंगे, और यहाँ पे जो आपका पहले माल आया हुआ था, ये वाला लॉट नंबर वाला, इसको 500 को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे, 1 लाख 2 हज़ार, 2,500, ये हो गया, क्लिक किया, यहाँ पे देखो ये आ गया, 8 नंबर आ गया आपका, 8 नंबर। अगर आप वैसे मेंटेन करना चाहते हैं 100, किस तरीके से ऐसे भी हो सकते हैं। ये 3240 का माल है, 3240 का माल है, नेवी कलर है, नेवी नहीं है, 100 पीस इस कलर के हैं, 101, 3240, ब्लैक, मैंने
मतलब दो 250 इसके डाल दिए, 250 इसके डाल दिए। ये देखो सामने बारकोड नंबर जनरेट हो गया ऑटोमेटिक। ओके का बटन दबाया, सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पे हम आएंगे, सेल में गए, बारकोडिंग का सिस्टम यहाँ से मेंटेन हो जाता है। पॉस एनेबल कर दिया, यस कर दिया। यहाँ पे BCN यस किया, आइटम को बैक पीछे कर दिया। ओके ओके ओके। हाँ ये मेटल सेंटर मेन डाल दिया, ये दो चीज़ें वेरिएबल कर दी, यहाँ से कैश फिक्स कर दिया एक बार। अब मैं बारकोड से जब स्कैन करूँगा ये ऑटोमेटिक ले लेगा। आपका बारकोड का जो नंबर था मैं दिखा देता हूँ, 5% में आप माल बेचते हैं, कैश में कोई कस्टमर आया आपने ये बारकोड नंबर डाला था। देखो बारकोड नंबर डाल के ऑटोमेटिक ही आ गया ये, इसमें यहाँ पे ले लेता है। इसने 32 साइज नेवी कलर का एक एक बॉक्स ले लिया, एक पीस ले लिया। हम इसको सेट वाइज बनाएंगे, ऑटोमेटिक रेट भी आएगा। अभी रेट डाला नहीं था इसका, 750 रुपये रेट डाल दिया। ठीक है ना, तो इस अच्छा, तरीके तो से मेंटेन हो जाएगा। सेल के टाइम पे दिखा रहा है, बारकोड प्रिंट कहाँ से होगा वो? बारकोड उसी जगह पे प्रिंट होगा जो वाउचर था आपका। एक सेकंड में दिखा देता हूँ। भवानी जी, बारकोड बनाने के बाद हमारे को प्रिंट भवानी लेना जी, होगा ना? भवानी जी, पुलकित जी आप होल्ड रह सकते हैं जरा एक सेकंड, इनका वो कर देता हूँ अपग्रेड। भवानी जी एनी डेस्क की आईडी बताओ। ठीक है, क्या मैं कॉल करता हूँ पुलकित जी आपको दोबारा? ठीक है जी, ठीक है ठीक है, ऐसा कर लो। हाँ मैं कॉल कर